जो आज हम लोग शेप्स के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए हमने बनाया है सर्कल। सर्कल की स्पेलिंग है CIRCLE। सर्कल सर्कल मीन्स गोला, जस्ट लाइक बॉल। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर के चारों कोने बराबर होते हैं। स्क्वायर की स्पेलिंग है SQUARE, स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल के आप देख रहे हैं ना, ट्रायंगल का शेप, इसमें तीन कोने होते हैं। TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स त्रिकोण। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। इसका ऊपर और नीचे का कोना बराबर होता है। तो देखिए बेटा, ये है हमारे शेप्स, और इन शेप्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इनको कलरिंग करनी है। ये कुछ शेप्स हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे और शेप्स के बारे में जानेंगे। तो आइए बेटा, देखते हैं इनको कलर करके। इनको कलरिंग करने के लिए बेटा हमने लिया लेडी फिंगर, ये देखिए, और इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। और अब हम करेंगे इसको कलर। तो देखिए बेटा, इसकी कलरिंग हमने शुरू करी। बहुत इजी है बेटा और इंटरेस्टिंग भी। आप देख रहे हैं ना, बहुत मज़ा आएगा आपको कलरिंग में। और इसके बाद तो देखिए बेटा, हम लोगों ने सारे शेप्स को कलरिंग की है, और इन्जॉयमेंट के साथ आप भी इसे कलरिंग करेंगे। इससे आपके डबल वर्क हो जाएंगे, एक तो आपका आप शेप्स सीखेंगे, और दूसरा कलरिंग करने का नया तरीका भी। आप लेडी फिंगर लेंगे और कोई भी कलर ले सकते हैं। कलर ले करके आफ्टर शेप्स, आपको शेप्स बनाने के बाद उसे कलरिंग भी करनी है। तो आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं शेप्स के बारे में। ये हमारा सर्कल है, यानी कि गोलाकार, जस्ट लाइक बॉल। ये हमारा स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये ट्रायंगल, इसके तीन साइड होते हैं और तीनों बराबर होते हैं। और ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड, यानी ऊपर और नीचे का साइड बराबर होता है। रेक्टेंगल में बेटा आपका ऊपर और नीचे अपोजिट साइड जो है वो बराबर होते हैं, और ये साइड के जो दोनों साइड हैं ये एक जैसे होते हैं, ये एक जैसे और ये एक जैसे। तो देखिए बेटा, हमने आज देखा और सीखा शेप्स के बारे में। तो बेटा, आपको ये शेप्स की स्पेलिंग भी लर्न करनी है, शेप्स बनाने हैं, बना के उन्हें कलरिंग भी करना है, और देन आपको अपनी फ़ोटो खींच करके हमें व्हाट्सअप भी करना है। तो इन्जॉयमेंट के साथ करिए और अपनी फ़ोटो भी हमें सेंड करिए। थैंक यू बेटा।